हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि अच्छे ही होंगे। तो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज कहाँ बैठ के ब्लॉग शुरू कर रहा है। आज मैं ढाबे पे बैठ के ब्लॉग शूट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं आया हूँ बैंगन का भरथा लेने के लिए, बिकॉज घर वालों को टेस्ट करवाना है। तो फर्स्ट टाइम देखते हैं कैसा रिएक्शन आता है घर जाके। तो यहाँ से पैक करवा देता हूँ, फिर उसके बाद निकलता हूँ यहाँ से। तो फाइनली गाइस, मसाला डाल दिया और जितनी देर तक ये भूजता है हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं अभी। एंड गाइस, अभी ढाबे पे तो बहुत ही कम बंदे हैं, बट थोड़ी देर में क्या होगा देखना, बहुत ही ज़्यादा रश हो जाएगा यहाँ पे। तो फाइनली गाइस, अपना भरथा हो गया रेडी, तो पैक करवा के चलते हैं सीधा घर। एंड गाइस, आज का मौसम भी क्या मस्त है यार। एंड गाइस, ड्राइव करते करते भी ना ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है और बहुत ही मज़ा आ रहा है ड्राइव करने का। तो गाइस, अभी जस्ट मैं बोरू को घुमाने के लिए आया हुआ था और ये देखो गाइस, कितना नाइस सनसेट है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। गाइज, एक तो ये आवाज़ें आ रही हैं पीछे, जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं ना, पता नहीं कैसी आवाज़ें हैं यार। तो फाइनली गाइज, बिल्ली का बच्चा आ गया था इधर को। कहाँ गया मम्मी, किधर भाग गया? ऊपर चला गया। हाँ तो गाइज, अभी जस्ट मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि मम्मी लेके आने वाली है डिनर, और डिनर के अंदर क्या आने वाला है, भरथा। तो मम्मी को पूछते हैं कि भरथा कैसा है, कैसा बना है, उनको अच्छा भी लगा या फिर नहीं, देखते हैं रिएक्शन क्या है। तो गाइस, मम्मी को मैंने बोल दिया कि अंदर खाते हैं खाना, नहीं तो बाहर बैठ के खाने वाले थे, क्योंकि चक्कर पता क्या है, बाहर बहुत ही ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं, तो यार वो काटते हैं फिर मज़ा भी नहीं आता खाने का, तो इसलिए जा रहे हैं अंदर, अंदर ही खाएँगे मस्त बैठ के ना पंखे के नीचे। गाइस, अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो डाइनिंग टेबल। लोगों के डाइनिंग टेबल पर क्या होता है, बर्तन वगैरह होते हैं, हमारे डाइनिंग टेबल पर देख लो, एक मोबाइल पड़ा हुआ है, कैमरे का बैग, ये स्पॉन्सरशिप्स हैं, ये कुछ फूल वगैरह पड़े हुए हैं, आधा सामान कुछ पड़ा है, आधा कुछ पड़ा है, मतलब पूरा का पूरा जो डाइनिंग टेबल है ना वो एकदम बुक, इस पर थोड़ी भी जगह नहीं है कुछ खाने की, तो मतलब एक दो बंदे बैठ के खा सकते हैं, उसके अलावा फिर आपको ऐसे लगेगा कि पता नहीं क्या क्या ऊपर फेंका हुआ है। तो गाइस, आज फर्स्ट टाइम मम्मी ढाबे का भरथा खाने वाली है। मम्मी टेस्ट करके बताओ कैसा है। देखने को तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, देखने को तो अच्छा लगता है, आप टेस्ट करके बताओ कैसा टेस्ट आ रहा है। बताओ कैसा है। अच्छा अच्छा है, अच्छा है ना, ठीक ठीक है, बढ़िया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है, चलो बढ़िया फिर तो। तो फाइनली गाइस, मम्मी ने जो बढ़ता था ना वो पास कर दिया, आई मीन टू से कि ये हम लोग लेके आ सकते हैं घर पे खाने के लिए। तो अभी मैं मस्त बैठ के ना खाना खा लेता हूँ, उसके बाद आपको मिलता हूँ, बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? बहुत ज़्यादा बारिश लगी हुई है और मुझे जाना है काम पे, तो रेनकोट मैं ले आया हूँ, जल्दी से रेडी होते हैं देन उसके बाद निकलते हैं सीधा काम पे। और सुबह की इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना जिसको कोई हिसाब नहीं। एंड थैंक टू गॉड कि आप बारिश कर रहे हो जिसकी वजह से हमें गर्मी से राहत मिल रही है। तो चलिए गाइस, जल्दी से रेडी होते हैं, निकलते हैं यहाँ से, लेट्स गो। और हाँ गाइस, मैंने सैंडल डाल लिया आज, बिकॉज शूज़ तो गीले हो सकते हैं, और यहाँ से फोल्ड भी कर लिया, पजामा डालते हैं ताकि यहाँ पर पानी वगैरह ना लगे और ये जो पोंछे हैं ख़राब ना हो। तो गाइस, पजामा मैंने डाल दिया, ये देखो कुछ इस तरह का हो जाता है, आपको दिख रहा होगा काफ़ी बड़ा है यार। सो फाइनली गाइस, भाई तुम्हारा हो गया रेडी, ये देख लो कुछ इस तरह का गेटअप है, क्यों सही है ना, तो अब बिल्कुल नहीं भीगेंगे, सिर्फ सिर भी नहीं भीगेगा, ऊपर में मैं ऐसे ये लगा लूँगा कैप, अब तो मुझे कोई पहचान भी नहीं सकता क्योंकि डॉन बन गया हूँ मैं। एंड गाइस, ये जो चोंच सी आगे बनी हुई है ना, इससे क्या होगा आँखों में छींटे नहीं पड़ेंगे, तो निकलते हैं फिर मज़े मज़े से, मिलते हैं आपको बाद में, बाय बाय। गाइस, यहाँ पर रुकना पड़ गया बिकॉज फाटक लगा हुआ है, बट इतनी ज़्यादा बारिश नहीं है, बट अगर आप लोग ड्राइव करते हैं ना भीग सकते हैं, तो इसलिए रेनकोट सही है, और सही है यार। सो फाइनली गाइस, ट्रेन भी आ चुकी है, ये री ट्रेन। और हाँ गाइस, मैं पता क्या कर रहा था, जो साइड पे पानी खड़ा होता है ना सड़कों के, वहाँ से अपनी बाइक निकाल रहा था, मतलब काफ़ी मज़ा आता है जब पानी उड़ता है ना। तो गाइस, अभी बजे हैं दोपहर के 3:12, और मैं तभी के लड़के के साथ आया हूँ नान खाने के लिए, तो हम लोगों ने 2 प्लेटें ऑर्डर कर दी है, थोड़ी देर में आ जाएंगे, फिर आपको दिलाते हैं यहाँ पे। अंकल जल्दी कर दो। तो अंकल लेके आ रहे हैं चने, चने और सैलड आ चुकी है, साथ में मिर्ची भी आ चुकी है। तो फाइनली गाइस, नान भी आ चुके हैं, तो अभी हम मस्त यहाँ पे इंजॉय करने वाले हैं। गाइस, देखने में क्या लाजवाब लग रहे हैं, काश हमारे साथ रवि भी होता तो ये चने और नान खाता। तो गाइस, घर पहुँच गए और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो इसलिए मैं ऊपर से उतारने वाला हूँ, क्या बोलते हैं इसको यार, पियर, पियर बोलते हैं, एक तो ये लगी हुई है, शायद आपको यहाँ पे दिख रही होगी, मुझे तो दिख नहीं रही, ये इसके बीच में है,
और एक वो लगी हुई है ये वाली, ये देख लो ये वाली है, तो उतारते हैं इनको। तो फाइनली गाइस मम्मी की हेल्प से हम लोगों ने दो पियर उतार लिया, तीसरा भी आ गया। कहाँ पे मम्मी? नीचे कर इस डाली को, रुक 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 मैं पकड़ता हूँ, वो देख नीचे फेंक दिया। अरे ये रहा, ये तो खा लिया उसने, ये देख लो गाइस क्या बना। यहाँ से तो खा सकते हैं, इधर से मम्मी एक वो बीच में वो लगा, वो छोटा है बहुत, किधर? ये रहने दो, अभी कच्चा है, ये कच्चा है, बहुत है, दो बहुत है, आधा ये है। तो खाते हैं मस्त बैठ के यहाँ पे सभी। तो बस मम्मी नमक ले आई है, तो अभी काट के खाते हैं। तो सबसे पहला पीस मैं टेस्ट करने वाला हूँ, बहुत मीठा है, बहुत मीठा है यार। मम्मी टेस्ट करके बताओ। तो मम्मी देख रही है अभी टेस्ट करके, बताओ कैसा है। अच्छा है, मीठा है, मीठा है। चाची कैसा टेस्ट है? बहुत अच्छा है, मीठा है। चलो फिर खाते हैं, तो मस्त बैठ के यहाँ पे एंजॉय करते हैं। बस चेंज भी मैंने कर लिया और ये भोंकता जा रहा है, पता नहीं क्यों भोंक रहा है, क्या बात है। ये देख लो गाइस कैसे बैठा हुआ ऊपर, क्यों भोंक रहा है भाई तू, बता दे अपनी ऑडियंस को, बता दे भाई क्यों भोंक रहा है। क्योंकि इसको घुमाने के लिए जाना है ना, तो इसलिए ये भोंक रहा है। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले पियर खा लेते हैं, देन उसके बाद इसको लेके जाएंगे घुमाने के लिए। गाइस एक रात की ना बहुत बड़ी दिक्कत है डिनर की, कि डिनर में क्या खाएं। मम्मी ना शाम का वेट कर रही है कि जब मैं आऊँगा मुझसे पूछ के बनाएगी कुछ भी। तो मम्मी ने मुझे चूज़ करने को बोला है, या तो बनाएगी मूंग मसूर की दाल या फिर भिंडी बनाएगी। तो गाइस भिंडी पता नहीं कब से खा रहे हैं, लगातार भिंडी बन रही है रोज़ घर में, और मूंगी मसूर की दाल में खाने नहीं वाला। मम्मी कुछ और खिला दो, क्या खिलाओगे बोलो। और क्या बना सकते, मसूर की दाल नहीं खाऊंगा, मैक्रोनी बनाते हैं। तो गाइस अभी तक फाइनल नहीं हुआ कि डिनर के अंदर क्या बनेगा, तो जब फाइनल होगा आपको बताएंगे, वो तो डिनर जब आएगा उस टाइम पता चलेगा, तो उसी टाइम पता चलेगा। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ इस ब्लैक डॉग को घुमाने के लिए, तो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में, बाय। फिलहाल गाइस अपने दूसरे चैनल की वीडियो भी शूट हो चुकी है और अभी डिनर आ गया। डिनर के अंदर खाने वाला हूँ मैक्रोनी, दही और ये क्या है, सैलड है थोड़ी सी, इसमें मतलब ओनियन ही काट के रखा हुआ है, अब दो चपाती खाने वाला हूँ। तो यही है आज रात का डिनर, देन इसके बाद वर्कआउट करने के लिए जाएंगे और फिर रेस्ट होगी। तो मिलते हैं आपको सुबह, बाय बाय। हे गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ नेक्स्ट डे। 4-5 दिन हो चुके हैं इस ब्लॉग को शूट करते हुए, और 4-5 दिन तो नहीं, 2-3 दिन हुई हैं, और सुबह सुबह का टाइम है, और इसने पता नहीं ये पियर कहाँ से उतार लिया, ऊपर तो था नहीं, जब मैंने शाम को देखा था तो एक ही बचा हुआ था। यहाँ पर था, यहाँ पर। कहाँ पे था यार, ये मुझे देखा नहीं अंधेरे के अंदर, इसलिए बच गया, तो इसने उतार दिया। नहीं मानोगे इतना मीठा है ना। हाँ वो तो है, मीठा है बहुत ज़्यादा। तो गाइस अभी मुझे जाना है मार्केट, और मैंने अपने नेबर को फ़ोन किया है, जैसे ही रोहित आता है तो फिर हम लोग चलेंगे मार्केट। और आज बियर्ड भी थोड़ी सी सेट करवानी है, काफ़ी लंबी हो गई है, तो बियर्ड सेट करवाते हैं, देन उसके बाद फिर काम पे भी जाना है। तो गाइस अभी मैं बंदे के घर के बाहर खड़ा हूँ, और वो घर से आ नहीं रहा, कैसे बंदे हैं यार। हाँ तो गाइस बियर्ड सेट करवा लिया और अभी खा रहे हैं यहाँ पे आइसक्रीम। वेल गाइस मार्केट से वापस आ गए, तो अभी करने वाले हैं ब्रेकफास्ट, और मम्मी मांग रही है टी शर्ट, तो ऐसे करते हैं मम्मी को ना टी शर्ट उतार के दे देते हैं और ऐसे ही खाते हैं आज खाना। हाँ जी, तो गाइज डिनर यार ब्रेकफास्ट हो गया ख़त्म, ठीक है। कई बार गलती हो जाती है यार ब्लॉग बनाते, और आज है किसी का जन्मदिन, तो आपको यहाँ पे फ़ोटो दिखाने वाला हूँ किसका जन्मदिन है। तो गाइज इसका जन्मदिन है, एंड हैप्पी बर्थडे टू मरी कार्मन, शी इज़ फ्रॉम मैक्सिको सिटी, तो मैक्सिको से है, सो थोड़ी स्पेनिश बोल देते हैं, आपको दिखा देते हैं, स्पेनिश भी हमें आती है। फेलिस कुम्प्लियानो मारी कार्मेन, ते मांदे मुचो सालुदोस, मैंने ये कहा कि गुड हेल्थ एंड दियोस ते बेंदिगा, आई मीन टू से कि गॉड ब्लेस यू। तो गाइज इसको बहुत ही ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, समझ नहीं आ रहा। वेल यही कहना चाहूँगा, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो गाइज मिलते हैं आपको भी नेक्स्ट व्लॉग में, आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो बाय बाय गाइज। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग और भी व्लॉग देखना चाहते हैं, बहुत सारे मस्ती वाले व्लॉग आएंगे आने वाले टाइम के अंदर। बाय बाय।